नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननन ने पापे के साथ किया कुछ ऐसा कि। मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रवि से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्जी से ही तय हुई है। मेरी भैया की शादी अभी एक साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम रचना है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, साथ ही बहुत हंसमुख है। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है, लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया था, तब मैं, भाभी और रवि साथ में एक कमरे में थे। हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती है, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया। आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है, इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती। लेकिन उसके बाद जो रवि ने कहा, उससे मुझे ज्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब तो जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब वो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर इतना बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूं जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय मैं बस इतना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा बस आ ही रहे हैं। भैया बोले कि पहले भी यही बोला था, अभी भी यह, कब तक आओगी। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता भैया, पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे, उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा, क्यों, क्या बात कर रही है, तुझे कुछ पता चला क्या। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगी उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता, मैं अब क्या कहती। लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहां आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब एक घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया।
भाभी का मुंह उतरा रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था ना मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फोन किए, लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को 1 दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी, सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला आप आ गई, वो बोली हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा, ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई है। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो मजाक था। भाभी बोली तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूंगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को खत्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरे जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला। ना ही यह बात आया कि यह सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।